देखो जंगल में शेर छूट चुका है, अभी भी नहीं समझे। फाइनली रणबीर कपूर की एनिमल का टीजर आउट हो चुका है। देखो अभी ट्रेलर तो सुबह के 10 बजे रिलीज हो चुका था, एंड देखो पूरे टीजर में रणबीर सिंह इज लुकिंग फकिंग ब्रूटल। अब देखो ब्रूटल बस एक्शन ही नहीं होता, एक्टर का जो स्क्रीन प्रेजेंस होता है वो पूरी मूवी के माहौल को सेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड टीजर के स्टार्ट में ये वाली क्लिप। You won't be like your father, right? That fucking death stare और उसके पीछे जो BGM है ना भाई, वो दिखाता है कि रणवीर सिंह का कितना खौफ होने वाला है। बस 2 सेकंड पहले बंदा एकदम नॉर्मल चल रहा है और उसके बाद एकदम सीरियल किलर वाला लुक। This shit is not to be missed in theaters। देखो अभी भी वीडियो देख रहे हो और ये सोच रहे हो कि यार इस सी का कौन वीडियो देखेगा जब रणबीर कपूर को ये रणवीर सिंह बोल रहे हैं। आई एम सॉरी जोश में बोल दिया, और एक बार नहीं काफी बार, तो प्लीज कोप अप कर लेना। मतलब भाई रणबीर कपूर इज द रियल सिग्मा, हमारी नेशनल क्रश रश्मिका को भी नहीं छोड़ा। देखो इससे पहले जो प्री टीजर आउट हुआ था उसमें हमें ज्यादा कुछ पता नहीं चलता है, बट ये टीजर हमें हल्का फुल्का बैकग्राउंड दे देता है। एक अमीर फैमिली से, खड़ूस बाप है, बट फिर भी बाप उसे बहुत पसंद है उसका। माय फादर इज द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड, डोंट एवर गो देयर। एंड देखो बाप बेटी की रिलेशनशिप भी काफी ऊपर नीचे, एक जगह पे धड़ाधड़ चाटे मार रहा है अनिल कपूर, मतलब लिटरली कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया, और दूसरे जगह पे वो सिंपथाइज करता है अपने बेटे के साथ। टीजर में रणबीर का ये वाला लुक देख के मुझे लगा होगा कि वो अनिल कपूर को हेट करता होगा। माय फादर इज द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड, वो ये डायलॉग बोलता है भाई, तब साफ पता चल जाता है कि भाई बाप बेटे की रिलेशनशिप काफी ऊपर नीचे है। देखो मूवी को डायरेक्ट किया संदीप रेड्डी ने, एंड ऑफ कोर्स तुमने उसका नाम नहीं सुना होगा, बट ये क्लिप तुमने डेफिनेटली देखा होगा। Look forward to seeing what you do next, and hopefully it'll generate less criticism. It will be more because these guys are calling this film as a violent film. I want to tell them, I'll show them what violent film will be. अभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो ये ही बंदा है जिसने कबीर सिंह और अर्जुन रेड्डी डायरेक्ट की है, तो मतलब डायरेक्टर को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है माहौल कैसे बनाते हैं, और वॉयलेंस तो उनके खून में दौड़ रहा है। देखो अक्सर मूवीज में हीरो को एकदम हाई पेडेस्टियल पे बिठाया जाता है और विलन को हल्का फुल्का दिखाया जाता है। देखो इस टीजर में बॉबी देओल को लास्ट में देख के ना दिल में बस एक ही फीलिंग आई है कि भाई ये बंदा टक्कर का होने वाला है, और रणबीर की ब्रूटैलिटी से ये कम्पीट कर सकता है। मैं बस यही होप करता हूँ कि जवान की तरह ये लोग ब्लंडर ना करें। एटली विजय सेतुपति को फुल पोटेंशियल पे यूज नहीं कर पाए थे, बट आई होप संदीप रेड्डी बॉबी देओल को भी उतना ज्यादा स्क्रीन टाइम दे और उसे इम्पोर्टेंट फील करवाए। विकिपीडिया पे अगर तुम इसका प्रिमाइस पढ़ोगे तो रणबीर का अंडरवर्ल्ड के साथ कुछ लफड़ा होता है, दोनों के बीच में काफी ज्यादा ब्लडशेड होती है जो उसे साइको बना देता है। देखो ये साइकोपैथ वाला लुक टीजर में साफ साफ दिखता है, भले तुम ये शॉट की बात कर लो या फिर ये शॉट की बात कर लो, वो चेहरे पे जो हल्की सी ग्रिन और स्माइल होती है ना भाई, बहुत क्रीपी लगती है। एंड देखो जब बॉलीवुड में इतने सारे रोम कॉम बन रहे हैं तो भाई ऐसी एक सिग्मा मेल वाली मूवी भी बननी चाहिए ताकि चीजें बैलेंस हो। टीजर में हमें रोनित राय का एक अच्छा खासा डायलॉग देखने को मिलता है, और वो BGM के साथ जो वाइब देता है ना, बुरा जी वेखंड में गया, वो मुझे और ज्यादा हाइप्ड अप बना देता है ये मूवी को देखने के लिए। अब देखो वायलेंस पे मूवी और आइकॉनिक मशीन गन वाली सीन ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। KGF की तरह इस मूवी में भी गन वाली सीन काफी होने वाले, और जिनमें से एक का हल्का फुल्का झलक दिख जाता है। टीजर को काफी स्मार्टली एडिट किया और हमें वो गन वाला सीन पूरा नहीं दिखाया। मैं बस ये बोलूंगा कि ये टीजर इनफ है मेरे को मूवी के लिए हाइप करने के लिए, बट अब मूवी 1 December को रिलीज होगी तो पूरे नवंबर में भाई ये लोग ट्रेलर तो रिलीज करने वाले हैं। फुली उसे भी स्मार्टली एडिट करे और जवान की तरह ज्यादा स्पॉइल ना कर दे। अब देखो ये काफी वियर्ड है क्योंकि रणबीर कपूर की हिस्ट्री ही रोमकॉम के अराउंड घूमती है, और अब वो एक सिग्मा मेल बनने वाला है। मतलब भाई मेल टॉक्सिसिटी भर के बाहर आने वाली है इस मूवी में। इसके सिवाय सलमान खान की Tiger 3 अनाउंस हो गई है, उसके बारे में जानना है तो ये वाला वीडियो क्लिक कर देना। बाय।